वीडियो शुरू करने तो पहले जेकर साडे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो हेठां दित्ते लाल रंग दे बटन नूं दबा के चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते आओ देखदे हां अगे वीडियो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਵੇ ਪੁਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਰਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ छोटे बच्चे सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा फतेह। मैं धन्यवादी हाँ सारी मानसा की टीम का सिंगला जी उच्चर साहब अकताली साहब और साड़ी सुदूरगढ़ की टीम अज मानसा जिले सुदूरगढ़ जिले इदू पहला दो पिंड जाके आया माखा फिर उलक हूँ थोड़े को मैं लेट हो गया इस गल की मैं माफी चाहना वो लेट का मैं कारण भी दस दिना कि मैं पहले प्रोग्राम से तो टाइम से पहुंचना है ना ते पंगा ही पै जांदा है कि मैनू स्टेज गड्डी चो स्टेज ते आउण वास्ते ज्यादा टाइम नहीं लगता भाषण देने तो बाद गड्डी जाण नूं बहुत टाइम लगता है क्योंकि उदों उहनूं पता लग जांदा सैल्फी आणिआं नूं इत्थों दी लंघो ए ओह रोक लैंदे आ प्यार करते हैं और कोई नहीं कहते भाई फोटो करानी है आ हुण एक मुंडे ने मेरी फोटो बनाई है तस्वीर बनाई है यही कह रही है तू बट और की होनी है इत्थे आराम कर हुण जिन्ना क मैं लेट आ उन्ना क भांगा कट के जाऊंगा मैं कोई बोला पट्टा लीडर नहीं है मतलब लीडर कहते ही नहीं मानते ही नहीं मैं थोड़े चो ही हाँ मैं थोड़े चो ही हाँ थोड़े वर्ग ही हाँ देसी घर पिंड पैदा हो जो जमे सी विरसे च आशा ट्रैक्टर तविया हल सहागे चाली फुट डूंगे बोर दे टोए बरोजे पटे पखे ते जैन डोरिया मिलिया सी उन्होंने असि भुल नहीं सकते इस करके किसान अंदोलन के हाथ खड़े असी धरती नूं मां कहण वाले असी चिड़िया चनौरा तोतिया कुकिया कबूतर अपने खेत च दाने छड़न वाले कि इन्हां दा रिज़्क भी साडे हाथ ही है तो सानू इह रत वधी कही जांदे आ सानू इह राष्ट्र द्रोही देश द्रोही कही जांदे आ ते साडे उत्थे जिहड़े बैठे ने टिकरी गाजीपुर ते सिंघूबड ते उन्हां चो 80% किसानां दे पुत ते भतीजे चीन ते पाकिस्तान दे बार्डर ते इक्का डाई बैठे ने फौज च ने ते तुहानू तुसीं देश द्रोही कही जांदे हो ते तुसीं सारा मुल्क बेच के रखता दो जने मुल्क चला रहे अमित शाह ते मोदी होर कहीं चलती नहीं दो जने बेची तुरे आउंदे आ जदों उन्होंने कहा सी मैं चाह बेचना देश फड़ा तो देश बेचूगा करिए की फिर हुण बेची जांदा तेल बेचता जी हुण तेल दा भाव देख लो घरों कुछ होर सुन के जाने खेत जांदे नूं कुछ होर हुंदा
जो पता लगा चल लिया ढोल भरा के जो पेट्रोल पंप से जाने उदो हो 200 लीटर का ढोल भरने वेले होर होंगे वो कहना हूं ही बजा तो सरकार की कहती है कहते साडे कंट्रोल च नहीं है ये तो कंपनियों के हाथ च है फिर अभी कुछ बाद च करोगे तुसी साडियां जमीनां लैके तुसी साडे आटे ते भी यही करोगे साडियां दालां ते भी यही करोगे साडे कंट्रोल च नहीं तो यही गल गई फिर थोड़े कंट्रोल च की रह गया बई सरकार कहदे वास्ते बनाई है कंट्रोल करने वास्ते बनाई है ना जी कहते दे दो सारा कुछ इन्हां नूं खेती रह गई सी कल्ला वह भी देने लगे ने ऐ नहीं देने देंदे असीं कि तुसी सामने काले कानून बना के सकते हो साडियां जमीनां खोलोगे वो साडे कोल है की हुण कल्ली जमीनां ही रह वो जमीनां भी केड़ियां रह गईयां भाई जी लाल लकीरां बचियां होईयां ने मैं पार्लीमेंट च जदों बोलदा कि पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है उसका सहारा बनो गवर्नमेंट जी तां जिहड़े तमिलनाडु वाले इधर केरला वाले उड़ीसा वाले एमपी मेरे कोल आ जांदे आ कहते मान साहब आप जो आज बोल रहे थे कि पंजाब का किसान ऐसा खुदकुशी कर रहा है मैं हाँ पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है हैरान होते हो हाँ जी दो तीन दिन खबर तो अखबार से रोज ही छप रही है कर्जे चढ़ के नहीं हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान बहुत खुशहाल है मैं कह जी टैली भी जिंदियां मशहूर हैं जी खुशहाल है वो साड़ियां फरदा कढ़ा के देख लो सारी लकीर लाल है कोई दसे भावे ना दसे करजे वाली लिमिट वाली जमीन है यार वो भी खोलू फिर करजे लिमिट वाली सब खोलू फिर साडे चुल्हिया ते आ बड़े यार तुसी सो वीरो मैं पार्लीमेंट च बोलिया मैं कह यार तुहानू शर्म नहीं आउंदी कि तुसी जिहड़े उत्थे लंगर लगे हुए ने उन्हां दी फंडिंग चैक कर रहे हो कि लंगर जिहड़े लगे हुए ने इन्हां दा पैसा कित्थों आ रहा है फंड कितों आ रहा पार्लीमेंट बोले से मैं क्या दसा कितों आ रहा तुम कहने पाकिस्तान तो आ रहा फंड हाँ पाकिस्तान तो आ रहा एड्रैस दसा मैं क्या ननकाणा साहब तो तलवंडी राय भोई की तलवंडी जिथे बाबा जी ने जन्म लिया से उतो 10 किलोमीटर है जी चूड़काना पिंड च वीर की लंगर लाया से उ नहीं मुकता सत तो साढ़े बाबे का लाया हुआ लंगर बजुर्ग बैठे 250 तो वो बंदा शहीद हो गया वो पिकनिक मना गए थे एदू पहला असि क्यों ना गए दिल्ली के बार्डर से असं ट्रैक्टर लेके दिल्ली अपन जाने की लोड़ सी जी साडे कोल खेत जाण नूं तेल पाउण नूं पैसे नहीं हैगे ट्रैक्टर वास्ते मंडी जाण नूं दिल्ली लई फिरदिआं क्यों फिरदिआं इन्हां ने कानून बनाया मैं उदों कानूनां दा भी विरोध कीता सी उदों आ जिहड़ी आ थोड़े नाल चुन्नियां पटाउंदी है जिहड़ी आ लन्नी शाह आ हुण उत्थे बोलदी सी ना पार्लीमेंट च संघ पाड़ पाड़ के उह मैं कहा बीबा जे किते इदों अद्धा उदे बोली होंगी ना जिदे कैबिनेट दे विच मोदी कानून पास कराने वास्ते लेके आए थे आ दिन देखने भी पैने से पंजाब नूं उदे नहीं बोले तुसी ढाई महीने 5 जून नूं ऑर्डिनेंस आया 5 जून नूं उदू बाद 15 सितंबर नूं पार्लीमेंट चली है जून जुलाई अगस्त अद्धा सितंबर 3.5 महीने सारा टब्बर बादल का बिलों की तारीफ करी है बहुत वधिया बिल ने कोई फिक्र करने वाली गल ही नहीं है रहूगी इतनी है बड़े बाबे तो भी पवा दी वीडियो कहते पारे तो भी बहुत वधिया बिल ने तो जो लोगों का किसान का जो जोर पिया तो उ पार्लीमेंट च मुकर गया कहना मैं तो पढ़े ही नहीं तो बहुत माड़े बिल ने मिले मैं क्या तू के डिप्टी मुख्यमंत्री रहा यार तू बिल ही नहीं पढ़े तू तेन पता नहीं सी की आ रहा चलो अस तो विरोधी पार्टी वाले अस तो कह सकते हैं कि यार सानू बिल नहीं दिते ये तो कैबिनेट मंत्री फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री ओदे कोले सी वो जिहड़ी फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री है ना वो भी खेती नाल ही संबंधित है ना भी टमाटर का सॉस बनाना है आलूआं दे चिप्स बनाने वो फूड प्रोसैसिंग है वो मंत्रालय तो सलाह ली है
कि आ कानून लियाइए और नन्नी शाह ने हां लिखी है उसे कहनी हां लिया बहुत वजी बिल तो हूं करते फिर विरोध कर किधर विरोध करते यार लोगों को कम नहीं समझ भी कदे माझा चिड़िए कदे ज्यों जा चिड़िए कोई गल है यार हूं नहीं है वह जमाना व्हाट्सएप का जमाना ट्विटर का यूट्यूब का जमाना सारा कुछ रिकॉर्ड से पिया पहला नहीं पता लगता सी बादल बरनाले कुछ होर कहता सी मानसे कुछ होर कहता सी ना मानसे पता लगता बरनाले की कह गया ना बरनाले पता मानसे की कह गया हूं तो अगला बराबर कर लेंगे भाई इन्हें कहा आ जाऊंगा हूं नहीं मुकर सकते लोगों ने कमरे समझते है। अच्छा फिर देखो एक किसानी का मुद्दा है यह आम लोगों का मुद्दा है मजदूर का मुद्दा है आड़तियों का मुद्दा है मुनीमा का मुद्दा है पलेदार ट्रांसपोर्टर सारे जड़े स्पेयर पार्ट आले पेंचर दुकाना आले दातिया के दंदे कटने आले यह सारे का मुद्दा है धर्म का ना कोई संबंध नहीं ना तो इन्होंने की किया बंद इन्होंने चारे तख्त तिने तख्तों तो वह कटिया चंडीगढ़ जावे ना धर्म का मुद्दा बनाने कहते यार धर्म का मुद्दा ही नहीं है हद है। अच्छा 25 सितंबर को किसानों ने चक्का जाम का मतलब पंजाब भारत बंद का सदा दिता 25 सितंबर उस दिन ही सुखबीर बादल ने चक्का जाम का कहता चक्का जाम के बंद च की फर्क होता फिर यह मतलब चक्के का भी नहीं पता की होगा ट्रैक्टर कटी फिर वो नाल बिठा रखी थी नन्नी शाह दसो ट्रैक्टर लिया हद है यार तुम कदे खेत गए हो ना जी ना उत्थे कहना सुखबीर बादल पार्लीमेंट च क्योंकि पता की है पहला तो पता ही लगता से अपन की बोले हूं मैं भेज रखे ना तुसी मैं सारा दस देना भी अज ए कहा जी और पहला भी अपन पता नहीं की कह गए हूं मैं दस देना भी अज ए कहा जी पार्लीमेंट च कहता सुखबीर बादल कहता मैं भी किसान हाँ मैं तू किधर किसान है भाई ना कहता मैं किसान हाँ मैं तू कि गया खेत तेन की पता खेती के दुखा का ना जी कहना किसान हाँ वह गल हो गई क्योंकि चारे पास किसान ही चर्चा ना कहना मैं भी किसान हाँ वह डाकू ने एक बस घेर ली तो वह लुट लिया सारी सवार तो समान थले ला के ना सवार लाइन च खड़ा लिया डाकू का सरदार कहना कले कले ना पुछ के गोली मारी है उन्हें पहले बंद पूछा लाइन च खड़ा की ना तेरा वो कहना रमेश कुमार है खराब गोली मारती सिर च दूजे ने कहना तेरा कि ना कहना बलदेव सिंह गोली मारती तीजे ने तेरा कि ना कहना प्रकाश चंद्र जी वो गोली मारती चौथे कोई माता खड़ी सी हाँ माता जी कहते थोड़ा कि ना वो कहती पुष्पा देवी है डाकू का जरा सरदार से कहना भी रुक जाओ गोली ना मारे मेरी मां का नाम भी पुष्पा से मैं इस माता चौंक की मां दिखी है बहुत प्यार करते बख्श हो उदू कहा लैन च सुखबीर बादल वर्गा खड़ा सी उन्हें सुन लिया सी ये गल उदू कहा तेरा की नाम है कहना है तो मेरा नाम सुखबीर है मैनू भी पिंड च पुष्पा पुष्पा ही कहते डाकू का सरदार कहना पांच गोलियां बद मारो मेरी मां का नाम बदनाम कर खेतों च मुक जा कस्सिया के मोगे तरसते फिरते यह किसान ने इन्हों की पता पंजाब तो घट पंजाब पावर तो घट नहीं मोटर है नहीं कोई एक किसान ने किनुआ के बाग ने बंगलौर इन्होंने किनू जाते हैं यह किसान मैं तो यह कहना चल फिर ऐ कर सुखबीर सिंह सानू भी दस दे यार ओए लोगों के तीन पुतों भी दस दे केड़ी फसल बीज दी ओए जिदे नाल हजार तो वध बसा हो जांदियां ने असीं भी बीज लिए यार असीं भी बीज लिए यार साढ़े तीन पुत चल मिनी मुन्नी पा लांगे साढ़े कोल घट ने जमीन किसानी चो आईआं अगर किसानां दा मसीहा प्रकाश सिंह बादल हद है यार अवार्ड लै ले वड्डे वड्डे सो वीरो इन्हों में यकीन ना करो बरगाड़ी के गुरु साहब की गली बजुर्ग बैठे ने बहुत मेरे दादे की उम्र के बैठे
मैं कोई कसूर नहीं करता थोड़े को राह नहीं सकी बाबे नानक की तकड़ी समझ के बादल की तकड़ी वोटा पाने पैसे तो उस नानक की बाणी रोड़ती जब गलिया च नालिया च रोड़ती कोई दोषी नहीं फड़िया गया कोई भी नहीं फड़िया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बिना सारे पंजाब के बच्चे बच्चे पता भी की कराया है कला उन्होंने नहीं पता कला जांच करा इतों जांच हूं दे दो हूं दे दो पांच साल हो गए की कर लिया जी कोई गल नहीं कोई कोई गल नहीं असल च रब भुले हुए ने सजा मिलूगी गुरु साहब की बेअदबी के दोषियों को सजा मिलूगी सजा देगा कौन एक कैप्टन तो या किसी जज तो या किसी वकील तो उम्मीद ना रखियो यह सजा गुरु आप ही देगा जिदे शरण च आप तड़की जाके मत्था टेकते हैं परमात्मा मेरे परिवार की रखा करो जो साडे परिवार की रखा कर सकता वो आप भी नहीं कर सकता करूंगा करूंगा देखते जाओ तुम सजा मिलूगी इन्हों ओदी सोटी जो चलती है ना खड़का नहीं होता जो ना कसुन मार दे, ना लत मार दे, रब जो मार दे, मत मार दे, मत बजी पई है ना फिर देने ना ओदे उधर लौंगे उधर लौंगे लोग कालिया झंडिया दिखाई जाते हैं सुखबीर बादल का हाल यह है पड़ता किसी होर गेट पे जे कटना पड़े पड़े कंध उत्तों की पैदा है आवे है जे वेले आ खड़ा में आजूगा है जे वेले पहली गल तो तुम आन नहीं देना जे आ गया तो जान नहीं देना सारी बोल लेने तो वो नहीं आते आए कहां आ फर्क है ना राह दे विच मैं आया माखे तो आया मामा भैन इतने खड़िया ने अब देख आए है जे वेले मामा भैन बैठिया ने सिर फलोस दिया ने मुंडे फोटो कराते मुंडे के हथ रख के भाई फोटो कराई बापू आशीर्वाद देंगे है मैं जो घरों घरे जाना रात में अद्धा किलो तो मेरी पग चू फुल निकलते ने फुल सिड़ सिड़ क्या हार पाई जाते इतने एक पासे तो आ प्यार है भाई तो दूजे पासे अकालियां ते कांग्रेसियां दे लीडर ने उन्होंने एक बार हाथ मड़ा के बाद च उंगलियां गिणनियां पैनियां ने पूरियां ने जां लै गए कदी सही है ना यकीन उठ गया ना उन्होंने यकीन उठ गया बहुत बारी उन्होंने यकीन किया सी उन्होंने साडा यकीन तोड़िया वोटा पापा बोड़े खूह भरते उन्होंने उन्होंने ढिड नहीं भरे लुट लुट के सामने सियाने कहते ढिड का भुखा रज जाता है नीत का भुखा नहीं रजता यह नीतां दे भुखे है वीरो यह नहीं रजने कितने आप वेट ना करी जाए कि रज जाएंगे फिर साढ़े बारे सोच ये तो भजाने पैने होर कोई हाल हल नहीं है हरेक महकमे च रिटायरमेंट है पंजाब सरकार वाले कोई 55 साल से रिटायर हो जाते हैं सेंटर वाले 60 के हो जाते हैं यार लीडर की कोई रिटायरमेंट ही नहीं है ये रिटायर ही नहीं होंगे यार फड़ते ही नहीं यार हैं मतलब बड़े बाल साहब प्रकाश सिंह बादल बुजुर्ग ने 93 साल की उम्र है असं उन्होंने भी लंबी उम्र की अरदास कर दिया बस करो हूं बाबा जी उसे पिंड ताश तूश खेडो बजुर्गों गल सो भी मुख्यमंत्री होंगे एक मैं डीसी बदल जाती रात में लिया भी सिट करना सा पता दूंगी खेडो उन्होंने बुढ़ापा जरा गुजारो आपको पुराने साथियों ना हटते नहीं है जी 93 साल हो गए तीन जने इधरों फटते हैं तीन इधरों फटते हैं स्टेज ही ले जाते हैं जानसार कहें एक मौका होर दो सेवा कराने तो मैं क्या सेवा करने का टाइम लो सेवा कराने का टाइम है बाबा तेरा खर्चा हूं कर लैन दे नवे जवाकों को कुछ तेरे हाण के दरख्त भी सुक गए पंजाब चो हटते ही नहीं यार पिपल दे पत्ते आवे कादी खड़ 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 लाई है पाते चढ़ गए पुराने बादल साहब रुत मुंडा क्यों जित गया
ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਢੀਂਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਢੀਂਸਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਲੈ ਆਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਟਿੱਚ ਬੁੱਲਾ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿਹਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਤੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਏਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਤੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੰਡਾਲ ਜਾਓ ਚੁਣ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਕਰੋ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੱਸ ਵਜੇ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੋ ਬੱਠਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੜਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਜੜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ, ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਦਾਰੂ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਕੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਤਾ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ MP ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਸੌਂ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, 21 ਮਾਰਚ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਇਓ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੋਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, 3 ਵਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਫੈਲ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੇਲ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਫੈਲ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆਈ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਨੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਕਹਿਣੀ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗੱਪੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਘਰ ਲਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿੱਟੂ ਹੁਣ, ਪਰ ਐ ਨੀ ਬਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਐਨੇ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਲਿਆਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਨਵੀਆਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸਿੱਟੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਨ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੋ,
मैनू पता लग गया, मैं लै ये कोके जरूर कहना पुत बड़ी वधिया गल है, सवाल पूछा करिए। मैं पूछा करो, कहना पूछा कदों करिए ना तू। मैं जो थोड़े पिंड आने कहना पुत मरगटा के भोगों से आने उदो अं रोई जाने हूं, हम मकान से बैठे की पूछिए।